के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रेखा है जबलपुर से हमारे साथ, स्वागत है रेखा आपका। जी बताइए। जी, मुझे कॉलेज स्टॉल की वजह से आंखों पे निशान आ गए दोनों। जी, उसका इलाज बताइए। जी ठीक। हाँ देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक उम्र के बाद बढ़ने लगता है और ये जाते बड़े मुश्किल से हैं निशान। आप रोज़ाना एलोवेरा का सिरका एक एक चम्मच 3 बार पिया करिए। खाने के बाद एक एक चम्मच एलोवेरा का सिरका पिया करिए और एनिमल फैट बिल्कुल रोक दीजिए। एनिमल फैट जो है वो घी में भी है, दूध में भी है और इसमें बटर में भी है, तो और मीट में भी है, चारों में एनिमल फैट है, इसे रोक दीजिए। वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं कुलदीप, चंडीगढ़ से हमारे साथ, स्वागत है कुलदीप आपका। जी तेज आवाज में बात कीजिए। जी वर्कर नहीं है। जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, मेरे जी वो ब्रेन है, ओवर का ब्रेन वो प्रॉब्लम से बीपी का हाई हो रहा मेरा। बीपी हाई की प्रॉब्लम है? बीपी हाई होने का ना वो ब्रेन स्ट्रोक हो गया। ठीक, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। एज कितनी है आपकी? एज 40 साल की उम्र है। जैसा आप अपना देखिए, आप बहुत ख्याल रखा करिए। आप ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं। हर शख्स के साथ ये है कि अपना ख्याल खुद रखा करे बहुत ज़्यादा। और मैं एक नुस्खा जो तकरीबन हर प्रोग्राम में बताता हूँ, आपको भी बताता हूँ, ये दिल और दिमाग के लिए, ब्रेन स्ट्रोक के लिए और दिल के स्ट्रोक के लिए, और उन लोगों के लिए जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हमारे खून का एक चकत्ता यानी कतरा जब दिमाग में रुक जाता है किसी बारीक नर्व में, तो हमें ब्रेन स्ट्रोक होता है। इसी तरह हमारे दिल की रगों में चर्बी बढ़ने से या भरने से बंद कर हो जाती है दिल की रगें, तो हमें दिल का मर्ज हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल ही दोनों की वजह है। तो ये आप बना लीजिए अपने आप नुस्खा और लगातार पीजिए। मुझे उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। नींबू का रस, अदरक का रस और लहसुन का रस 1-1 लीटर निकालिए, और 1 लीटर आपको लेना है जैतून का सिरका। इन सबको मिक्स करिए और 3 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 3 चम्मच रात को खाने के बाद लगातार पीते जाइए, और ये 4 लीटर आपकी ये दवा ख़त्म होते होते आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर हैं संजय दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है संजय आपका। हेलो। हेलो भाई। जी प्रश्न कीजिए। मैडम, ये वाइफ को ना सीधे हाथ में गठिया बाई का दर्द है। ठीक है। तो उसमें ज्यादा सूजन आ जाने, काम भी नहीं कर पाते घर का। एक ही हाथ में है? हाँ जी, एक हाथ में, सीधे हाथ में। ठीक है। अच्छा देखिए, कुछ दिन उनके लिए अश्वगंधा, एक दवा का नाम है, आप जानते होंगे, नहीं तो सर्च कर लें, अश्वगंधा अलसी सौंफ और अश्वगंधा अलसी सौंफ धनिया और गोंद सिया, काला गोंद एक आता है, कड़वा किस्म का होता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, ले लीजिए आप किसी तरह। 100-100 ग्राम लेके पाउडर बनाएं और 1-1 ग्राम खिलाएं उन्हें, और ये एक्सरसाइज वो लगातार दिन भर करें। ऐसा दिन भर करती रहें जब भी वक्त मिले, और ऐसे 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 दिन भर किया करें, गर्म पानी पिया करें, तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर हैं नवीन गुड़गांव से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या था? हकीम साहब, मेरी उम्र 68 ईयर्स है। और मेरे को सुबह तो 98 बुखार रहता है, लेकिन कुछ भी थोड़ा बहुत काम करूं, जैसे आजकल इसमें कोरोना के चक्कर में थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है,
जैसे बर्तन साफ कर ली, रोटी बना ली, ये वगैरह वगैरह अपना काम खुद कर लिया, तो मेरे को बुखार 99.5 और 100 तक पहुंच जाता है, और फिर मैं रेस्ट करूं तो ठीक हो जाता है। ठीक है, हाँ, कोई इन्फेक्शन है जिस्म में और उसका इलाज आप कर लें, और एज भी है अभी आपकी, तो देखिए एक गोंद आता है जिसे गोंद मोरिंगा कहते हैं, गोंद मोरिंगा 100 ग्राम ले लें, और धनिया, सौंफ, सौंठ, अलसी, धनिया, सौंफ, सौंठ, अलसी, ये भी 100-100 ग्राम लें, पाउडर बना लें, और 1-2 ग्राम सुबह, 1-2 ग्राम शाम आप पानी से लिया करें, तो आपकी शिकायत बहुत जल्द दूर होना मुमकिन है। चलिए, आपकी शिकायत बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको ये उपचार अपनाने होंगे जैसा कि हकीम साहब ने अभी आपको यहाँ पे बताए हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। MS चौहान, स्वागत है आपका। जी सर, सुन रहे हैं आपको हकीम साहब, सवाल कीजिए। जी चौहान साहब फरमाइए। जी सर, मेरे पास एक्जिमा की बीमारी, एक्जिमा, ये एलर्जी। ठीक है, एक्जिमा अलग है, एलर्जी अलग है। एक्जिमा कहीं आपको छाले छाले से हो जाते हैं, कहाँ पर होते हैं? जी सर, हाथों में सर, हाथों में। एक्जिमा का बड़ा अच्छा इलाज है, और देखिए ये जो आप देखते हैं नारियल पानी, एक नारियल पानी रोज पिएं, और उसमें 0.5 ग्राम रोजाना गोंद मोरिंगा मिला के, या ऐसी खा लें गोंद मोरिंगा सिर्फ 0.5 ग्राम और एक नारियल पानी पिया करें, चंद हफ्तों में आपकी ये शिकायत दूर होना मुमकिन है। चलिए, तो आप ठीक ज़रूर हो जाएंगे, बेहतर आप ज़रूर हो जाएंगे, ज़रूर ये नुस्खे अपना लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। लूज मोशन है मेरे को। देखो, लूज मोशन है, लूज मोशन होते नहीं। जी, लूज मोशन ज्यादा होते हैं। लूज मोशन हकीम सरकार का भी सर। ठीक है, ठीक है। लूज मोशन जो है ना, क्या 2-3 साल से जो हो रहे ना पेट के बारे में, लूज मोशन होते हैं, पेट में ऐसा गैस सबूर है, और रात में हाजिम सही नहीं होता। रफाए हाजत नहीं होता और लूज मोशन होते हैं, ये दो बातें हो गई। या तो लूज मोशन होते हैं कहिए, या ये कहिए कब्ज रहता है। और आप समझ रहे, कभी कब्ज हो जाता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए, एक नुस्खा बना लीजिए, बड़ा कामयाब है ये, और यह है सौंठ, सौंफ, जीरा, अजवाइन, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया। ये सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, ये 5 चीज़ें हो गई, और इसमें आप गोंद मोरिंगा मिला लें 100 ग्राम, ये सब 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना लें, और 0.5 चम्मच से शुरू करें सुबह, 0.5 चम्मच शाम, और इसको 0.5 चम्मच से 1 चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन 0.5 चम्मच से आप शुरू करेंगे तो आपको फायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं अमरजीत कौर पंजाब से, स्वागत है आपका। हाँ जी, जी सवाल कीजिए। हाँ जी, मेरी उम्र 74 ईयर है। कितनी? 74 ईयर। ठीक है, ते मेरे ना घुटने बहुत दर्द है बहुत सालों से। अच्छा, और कुछ बोलना चाहेंगी आप? सबसे ज्यादा हमारे लिए बहुत कीमती हैं, और 94 आपकी एज है? नहीं, 74। अच्छा, 74 भी हमारे लिए बहुत इज्जत वाली हैं। और कुछ भी बोलना चाहेंगी, कुछ बताना चाहेंगी? हाँ जी, मेरा ना पहले मेनू कैंसर थी, मेरा ऑपरेशन हो गया। अच्छा अच्छा, देखिए देखिए, आपको ऊपर वाले ने कैंसर से भी बचाया, आप बहुत अजीज हैं ऊपर वाले को, और मैं भी आपको एक नुस्खा बताता हूँ जिससे आप
आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और खूब चलने फिरने लगेंगी आराम से, और बग़ैर दर्द वाली ज़िंदगी आप गुजार सकती हैं। खूब अपना ख्याल रखा करिए, और देखिए अश्वगंधा एक दवा का नाम है, हो सकता है आप जानते भी हो, नहीं तो लिख लीजिए, अश्वगंधा 100 ग्राम, और धनिया 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम आपने लिख लिया होगा, और सौंफ 100 ग्राम, और गौंसिया एक काला गोंद आता है गौंसिया, इसको 100 ग्राम लें, और सबको मिक्स करके पाउडर बनाए घर में, रॉ मटेरियल लेना है, और एक एक ग्राम सुबह शाम लें, और ये मटेरियल ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, तो ये देसी नुस्खे आप अपना लीजिएगा, एक एक बात को याद रखिएगा, अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो बहुत बेहतर है, अपना लीजिएगा आपको लाभ ज़रूर होगा। बाकी हेल्पलाइन नंबर लगातार आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पर दिखाई जा रही हैं, आप इन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दर्शकों देखिए अपना कीमती और व्यस्त शेड्यूल में से आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं हकीम साहब, जो चाहते हैं ये कि आप सभी जुड़ें और जानें कि आप कितना ज़्यादा सेहतमंद हो सकते हैं, आप लोग अपनी बीमारियों को अपने शरीर से दूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जानना ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सा नुस्खा ज़्यादा फायदेमंद है। तो फ़ोन उठाना है, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। हकीम साहब, जब बात आती है पेट की, तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि जितने भी हमें मर्ज होते हैं, जितने भी हमें रोग होते हैं, वो सीधे पेट से ही उनकी शुरुआत होती है। इस बात में कितनी सच्चाई है, और देसी नुस्खे क्या कुछ हो सकते हैं कि हम अपने पेट के सारे रोग ठीक कर लें? देखिए ये सबकी इत्तफाक राय से, सबकी मशवरे से ये बात तय हुई है डॉक्टर हकीम वैद जी के, पेट जो है वो बीमारियों की माँ है, बीमारियों की जननी है। अच्छा, एक उम्र तक तो पता नहीं चलता, जवानी में कुछ भी खाया लकड़ पत्थर सब हजम हो जाता जी, है जी। लेकिन ये 35-40 साल के बाद की उम्र जो है ये एहसास दिलाती है कि सबसे बड़ा मर्ज पेट ही है। तो पेट को दुरुस्त रखने के लिए इतने नुस्खे भी हैं यूनानी देसी नुस्खे कि आप हमेशा पेट ठीक रख सकते हैं। एक पेट ठीक रहने से आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। पेट ठीक रहेगा तो कब्ज़ नहीं होगा, पेट ठीक रहेगा तो बवासीर नहीं होगी, पेट ठीक रहेगा, पेट में जब हमारा जो मलबा होता है, जो भी लैट्रिन होती है, ये रुकनी नहीं चाहिए। आज आपने खाया तो कल वो सब बाहर जाना चाहिए। अगर ये रुक जाए तो हमारी आंतें इसके एसिड्स को, इसकी गंदगी को एब्जॉर्ब करके हमारे शरीर को सप्लाई दे देती हैं, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं जी। इसी के साथ और उनसे बात कर लेते हैं। सचिन है महाराष्ट्र से हमारे साथ, स्वागत है सचिन आपका। हेलो, आपकी आवाज बहुत कट कट के हम तक पहुंच रही है, रेंज में आके बात कीजिए। पहला सवाल ये है, टेंशन और अपने दिमाग का कौन से रिलेशन? एक तो आपको टेंशन होती है, दूसरी हाइपरटेंशन और दिमाग का कौन से रिलेशन? हाइपरटेंशन पहला सवाल ये। हाँ, और दूसरे दूसरे सवाल क्या, आपकी खूबसूरती का नाच क्या है जी? आपकी खूबसूरती का नाच जी? अरे मेरी खूबसूरती पे करेंगे या इनकी? नहीं आपकी सर। मेरी? अरे वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे को मेरी बीवी के अलावा सब पसंद करते हैं। अब मैं उससे कहता हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और तू कहती है तो कैसे हो और चेहरा कैसा है इतना भोकड़ नुमा और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, तो मैं क्या भी मेरे करोड़ों व्यूवर्स मुझे बहुत चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आपके साथ भी ये हो, और इससे भी हाइपरटेंशन होती है कि सारी दुनिया पसंद करे और बीवी पसंद नहीं करे। आपकी बीवी आपको पसंद करती होगी,
या नहीं करती होगी उससे भी टेंशन होती है। बहरहाल मैंने तो टेंशन लेना बंद कर दिया, आप भी टेंशन लेना बंद कर दीजिए। और हाइपरटेंशन का एक बड़ा अच्छा नुस्खा है, देखिए सेब का मुरब्बा ले लीजिए 100-200 ग्राम ले लीजिए, 200 ग्राम सेब का मुरब्बा, 200 ग्राम हरड़ का मुरब्बा और 200 ग्राम धनिया, और इसमें 40 ग्राम छोटी इलायची पीस कर मिलाएं, इन सबको पीस लें। और ये एक माजून यानी एक प्रास टाइप का बन जाएगा, और इसको आप सुबह एक चम्मच खाली पेट खाया करें, और इससे थोड़ा गैस वैस पास होगी, खुल के लैट्रीन होगी, खुल के पेशाब आएगा। दिमाग का ये वो है, दिमाग का झावा है, जैसे हम बर्तन मांजते हैं ना किसी चीज़ से झावे से तो बर्तन कैसे साफ हो जाता, तो ये दिमाग का झावा है। इसे आप इस्तेमाल करें 2-3 महीने। और बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा।